हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहां पर हम यूज करेंगे कॉन्केटिनेट फंक्शन और उसके बाद स्प्लिट। तो पहले कॉन्केटिनेट देख लेते हैं करता क्या है। तो यहां पे इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट यहां पे लगाता हूं और यहां पे देख सकते हैं ये कॉन्केटिनेट आ चुका है। और फिर यहां पर राम के साथ हमें कॉन्केटिनेट करना है, कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद यहां पे सिंह को कॉन्केटिनेट करना है। तो ये देखिए ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। ये देख सकते हैं यहां राम सिंह लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। इसी तरह से हमें कॉन्केटिनेट कराना है, ठीक है। तो कॉन्केटिनेट इसी तरह से हम करा सकते हैं। तो एक बार यहां पे लिखा हमने कॉन्केटिनेट, तो बीच में एक कॉमा भी हमें चाहिए, तो यहां पर हम लगा सकते हैं कॉमा और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं ये कॉमा लगा हुआ आ रहा है और इसी तरीके से सब आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए इसी तरीके से ये सब आया हुआ है, लेकिन यहां पर गैप थोड़ा कम करना है हमको, तो ये गैप हम कर देते हैं थोड़ा सा कम। कॉमा लगा करके अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा और यहां पर इसको ड्रैग कर देंगे इस तरीके से, तो ये कॉमा लग लग के आया हुआ है। अब यहां पर क्या करना है, हमें इज इक्वल टू स्प्लिट फंक्शन यूज करना है और आज की खास बात यही है ये स्प्लिट। तो अब इन दोनों को स्प्लिट करना है तो यहां पर रखिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कॉमा दीजिए और डिलिमिटर के तौर पर हमें डबल इंटर कोट्स लगाना है, एक सिंगल कॉमा लगाना है, ठीक है। इसी तरह से तो हमने कॉन्केटिनेट लगाया था, तो बिल्कुल यही तरीका। और अब इसको क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये देख सकते हैं राम और सिंह दोनों आ गया है अलग अलग कॉलम्स में, ये इस तरीके से। अब यहां पर इसको ड्रैग करते हुए चले जाइए तो ये सब आ जाएगा लाइन से, ठीक है, बहुत इजी है। मैं एक बार फिर करके आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए यहां पर आएंगे और स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे तो यहां पर लिखिए SPLIT स्प्लिट, ठीक है, और ये स्प्लिट आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको ले लेना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है आपको, डबल इंटेड कॉमा ओपन करना है, फिर एक कॉमा लगा दीजिए, फिर डबल इंटेड कोट्स को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहां देख सकते हैं ये इस तरीके से स्प्लिट होकर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये स्प्लिट फंक्शन आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या इसमें डिस्ट्रिक्ट को भी हम ऐड कर सकते हैं, यानी तीन को हम स्प्लिट करेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे पहले फिर स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्केटिनेट करते हैं, तो इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट लगाएंगे, तो यहां लगा लिया इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, ये लगा दिया हमने। अब हम कॉन्केटिनेट कराते हैं, तो पहले राम फिर कॉमा दिया, ठीक है, बीच में एक डिलिमिटर के तौर पर इसको मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, फिर कॉमा देंगे। अब क्या करेंगे, अब सिंह को लेंगे, ठीक है, फिर कॉमा देंगे और फिर डिलिमिटर के तौर पर मैं कॉमा ही यूज कर रहा हूं इस तरीके से। यह ये डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब यहां पे एंटर प्रेस करना है, तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो तीनों एक साथ कॉमा के साथ आया हुआ है, देख लीजिए आप, ये कॉमा के साथ आया हुआ है। तो ये तो हो गया कॉन्केटिनेट। अब फिर इसको स्प्लिट करते हैं, तो यहां से SPLIT स्प्लिट किया। अब ये स्प्लिट लगाने के बाद क्या करना है, इन्हीं सबको हमें स्प्लिट करना है, तो यहां पर क्लिक करेंगे, सबको स्प्लिट करना है, तो कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहां पर डबल इंटेड कोट्स, फिर डिलिमिटर के लिए ये लगाएंगे के तौर पर डबल इंटेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर इसको क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए तीनों स्प्लिट हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इसको पहले ड्रैग कर लेता हूं, यहां पर तो कॉन्केटिनेट लगाया, इसको ड्रैग करता हूं नीचे तक, देखिए ये सब आ चुका है। अब इसको भी खाली इन तीनों को पकड़ लीजिए यहां से, ये इस तरीके से आप ड्रैग कर दीजिए, तो ये देखिए ये सब भी आ चुके हैं। पहले तो इसे कॉन्केटिनेट किया फिर इसको स्प्लिट किया, तो तीन हो चार हो पांच हो जितना हो बहुत ही आसानी के साथ आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। और ये फंक्शन तो गूगल शीट में ही है, गूगल शीट में ये बहुत ही ज्यादा खास है और इस फंक्शन की मदद से आप काफी कुछ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।